हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, माय सेल्फ प्रदीप सर प्रेजेंट्स मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डे फाइव पे हैं। किस डे पे हैं हम लोग? डे फाइव। तो यहाँ पे SW लिख लीजिए, हर दिन की तरह डेट डाल लीजिए आज का, जो भी आपका डेट है। और ऊपर हो गया आपका डे फिफ्थ। तो डे फिफ्थ की पढ़ाई हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए और सीखने के लिए? तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है एडिशन। एडिशन तो आप लोगों ने सीखा था, चलिए फिर से हम लोग ऐड करते हैं। कैसे करेंगे ऐड? तो टू इन इज योर माइंड और फोर इन योर फिंगर। दो को आप दिमाग में डाल लो, फोर को फिंगर पे डालो। फिंगर निकाल लिए सारे बच्चे चार बार गिन करके? चलिए चार फिंगर गिन लिए। तो मेरे पास, हमने यहाँ पर फिंगर चार बना लिया है। चलिए तो गिनिए, दो आपके माइंड में है तो माइंड के बाद से गिनना है। तो टू के बाद क्या होता है बच्चों? टू के बाद क्या होता है? थ्री। तो यहाँ बोलिए थ्री, आप उंगली मोड़िए। थ्री के बाद क्या होता है? फोर। फोर बोल के उंगली मोड़िए। फोर के बाद क्या होता है? फाइव। फाइव बोल के उंगली को फोल्ड कर लीजिए। और फाइव के बाद क्या होता है? सिक्स। सिक्स बोल के उंगली को फोल्ड कर लीजिए। तो मेरा कितना हो गया? सिक्स। तो टू और फोर, यहाँ सिक्स यहाँ लिख देना है आपको, ठीक है। अब है फोर इन योर माइंड, फोर को दिमाग में डाल दिए। एंड थ्री इन योर फिंगर, तो तीन उंगली खोलिए। खोल लिए आप लोगों ने तीन उंगली? एक दो तीन, ठीक है, तीन उंगली खोल लिए आपने। अब माइंड में कितना डाला था हमने? तो फोर डाला था। तो फोर के बाद काउंट कीजिए, फोर के बाद फाइव सिक्स और सेवन। तीन उंगली मुड़ गई ना, वेरी गुड, आया सेवन। तो यहाँ बगल में लिख दीजिए सेवन। तो आपका आंसर क्या हो गया? जब 42 और 34 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 76। चलिए एक और ऐड करके बताते हैं आपको। सिक्स इन योर माइंड एंड टू इन योर फिंगर। तो सिक्स के बाद काउंट करिए, उंगली मोड़िए। सिक्स के बाद एक उंगली मोड़िए, बोलिए हाँ सेवन। एक और उंगली मोड़िए बचा हुआ और बोलिए एट। तो यहाँ लिख दीजिए एट। फाइव इन योर माइंड और फोर इन योर फिंगर। तो फोर फिंगर को खोलिए, मैंने भी खोल लिया लाइन ड्रॉ करके। अब माइंड में जो है फाइव, उसके बाद से काउंट कीजिए। फाइव के बाद क्या होता है? सिक्स, उंगली मोड़ लिया, सेवन एट नाइन। चारों जो उंगली खोले थे मुड़ गई, आया कितना? नाइन। तो यहाँ लिख दिया नाइन। तो हो गया मेरा 98। इस प्रकार से इस सारे एडिशन को आपको क्या करना है, यहाँ एडिशन जितने भी हैं, इन एडिशंस को आपको इस पेज वाले, इस पेज में जितने भी एडिशन हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पेज नंबर 13 में आपको बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको आप बना लीजिएगा। और आज हम लोग एक नया चीज़ भी सीखने वाले हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। क्या नाम है इसका? सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्शन आज सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि पहले आपके पास कितने एप्पल थे, चलिए देखते हैं कितने एप्पल्स हमारे पास है। तो हमारे पास एप्पल्स थे पहले से 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, 5 एप्पल्स एंड 6 एप्पल्स। 6 एप्पल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स में कितना लिखा हुआ है देख लीजिए, 6 लिखा हुआ है ना। और 3 एप्पल्स किसी ने मांग लिए आपसे, कितने एप्पल्स मांग लिए? 3 एप्पल्स। तो काट दो 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स। तो 3 को यहाँ लिख देना है, चूँकि ले लिया वो, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो बच कितना गया आपके पास में? बच गया कितना देखिए, बच गया यह 1 एप्पल, यह दूसरा एप्पल और ये तीसरा एप्पल। तो जो बच गया इसको यहाँ इस बॉक्स में लिख देना है 3। इस प्रकार से ही सब्ट्रैक्शन बनता है। तो आप, मुझे लगता है सीख गए होंगे आप लोग। चलिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बनाना है हम लोगों को। तो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, चलिए सब्ट्रैक्शन बनाना है हम लोगों को। दो सब्ट्रैक्शन हम बना के बताते हैं। तो पहले बच्चों क्या करो कि 9 फिंगर्स निकालो। निकाल लिया 9 फिंगर, यहाँ ऊपर वाला को निकालना है। चलो एक हाथ में 5 है,
फाइव फिंगर, दूसरे में फोर फिंगर, तो नाइन फिंगर निकाल लिया। चलिए हम यहाँ पर फिंगर बनाते हैं, वन फिंगर, टू फिंगर्स, थ्री फिंगर्स, फोर फिंगर्स, फाइव फिंगर्स, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, नाइन फिंगर्स हो गए। अब सिक्स फिंगर्स को हमको फोल्ड करना है, नीचे में कितना है सिक्स, तो सिक्स को फोल्ड करते हैं। चलिए एक फिंगर फोल्ड हुआ, दूसरा फोल्ड हुआ, तीसरा भी फोल्ड कीजिए, अभी मोड़ते जाइए, चौथा, पाँचवा, छठा, छः फिंगर हमने फोल्ड कर दिया। तो आपके पास कितने बचे हैं गिनिए उसको, एक, दो, तीन, यानी वन टू थ्री, कितने बचे हैं मेरे पास, तो थ्री बचे, आपके पास, अच्छा आपके पास भी थ्री बचे, तो हो गया थ्री, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ फाइव है, तो चलिए अब फाइव फिंगर्स को ओपन कीजिए, वन फिंगर, टू फिंगर्स, थ्री फिंगर्स, फोर फिंगर्स, फाइव फिंगर्स, मेरे फाइव फिंगर्स ओपन हो गए। इस बार कितने फिंगर्स को फोल्ड करने हैं, इस बार हम लोगों को वन है, यहाँ पर कितना है वन, तो इस वन फिंगर को फोल्ड कर दिया। बचे हुए फिंगर्स को काउंट कीजिए, तो वन फिंगर, टू फिंगर्स, थ्री फिंगर्स, फोर फिंगर्स, आपके पास कितने बचे हैं, आपको भी फोर ही बचे, तो यहाँ फोर लिख दीजिए। तो ये आंसर हो गया कि 59 में से हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 43 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे है बोरो वाला, हासिल लेने वाला, ठीक है। अब वंज में कितना है फाइव, कितना है इसके पास फाइव वंज है, और टेंज पे कितना है फाइव, तो फाइव वंज में से सेवन वंज तो घटेगा नहीं, तो एक क्या कर गया, ये बगल वाले के पास गया, कहा कि भैया भैया मेरे यहाँ ज़्यादा लोग आ गए हैं, मुझे कुछ दे दो। तो इसने क्या किया कि वन टेंज दे दिया, वन टेंस वापस किया है, तो वन टेंजा कितना होता है टेन, वन टेंजा टेन, तो ये टेन लेकर चला आया, अब पहले से फाइव है तो कितना हो गया ये, अब फिफ्टीन हो गया, कितना हो गया ये फिफ्टीन, अब फिफ्टीन में से कितना से घटाएंगे सेवन, तो घटा लीजिए, तो फिफ्टीन में से सेवन घटाइएगा, तो सेवन के बाद काउंट कीजिए, तो एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, कितने हुए एट हुए, एट फिंगर, यहाँ पर एट लिख दीजिए। अब ये एक इसको वन टेंज तो इसको दे चुका है, तो ये बच कितना गया है फोर टेंज, तो फोर टेंज में से थ्री टेंज घट गया, तो कितना टेंज वन टेंज, तो मेरा आंसर क्या हो गया वन एट एटीन, तो 55 में से 37 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप ये बोरो वाले सबट्रैक्शन को भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, जितने भी सबट्रैक्शन ये दिए हुए हैं, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम भी है बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम्स सब्ट्रैक्शन और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स को भी बच्चों लोगों को बनाना है। तो बच्चों ये हमारा डे फाइव का होमवर्क हो गया, तो होमवर्क क्या हो गया, होमवर्क डे फिफ्थ इस विषय का, तो मैथ्स का क्या होमवर्क मैंने दिया, तो डू पेज नंबर 13 एंड 14 इन द कॉपी। और जिन बच्चों के पास किताब है वो बच्चे क्या करेंगे, सेट इन द बुक, वे बच्चे पेज नंबर 13-14 को पहले किताब में बना देंगे या तब कॉपी में बनाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक किताब नहीं खरीदी है, सुबह 6 से 9 बजे तक स्कूल काउंटर से जा कर के नगद भुगतान करके किताब खरीद सकते हैं। तो बच्चों आपको सीखने में मज़ा आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल का नाम है यूट्यूब पर कृष्णा विद्याशाली कांटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।